Alright people, a very good morning to all of you. So we are in our sixth session of idioms and phrases. And these are some of my social media handles. This is my personal Instagram handle. If you want to follow me anywhere on these social media platforms, you can. Okay, so let's just start it. The very first idiom of the day is end in smoke. End in smoke. That is come to nothing. अब धुएं में कोई चीज खो जाएगी तो that is just having no result, right? Escape one's lips. कोई चीज अगर किसी के लिप्स से एस्केप कर गई तो मतलब क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था और कोई चीज निकल गई बाहर, ठीक है, तो मतलब कुछ और ही निकल गया. स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली. फेबियन पॉलिसी क्या होती है? ये बहुत ही स्लो पॉलिसी होती है. अगर मतलब कोई भी एक नीति है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है तो फेबियन पॉलिसी. अब जैसे कोरोना चल रहा है, अब सरकार उसके ऊपर काम कर रही है बट वो काफ़ी स्लो काम कर रही है. स्लो काम कर रही है इन सेंस कि मतलब जो चीज़ें जल्दी जल्दी करनी चाहिए, जैसे जो चीज़ अरेंजमेंट करनी चाहिए जल्दी जल्दी, वो चीज़ नहीं हो पा रहे हैं और वो फेबियन पॉलिसी के तरीके से काम कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, कर देंगे. कहीं कहीं पे सैनिटाइजेशन भी नहीं करते जहाँ यहाँ पे लोग निकलते हैं, तो दैट इज अ फेबियन पॉलिसी. फेयर एंड स्क्वायर. फेयर एंड स्क्वायर होता है इन एन ऑनेस्ट वे. इन एन ऑनेस्ट वे. फेयर सेक्स इज वुमेन. फेयर वेदर फ्रेंड समझ में आता है, जो सिर्फ हंसते खेलते में साथ हो और वाकई निकल जाए. फैंसी प्राइस. फैंसी प्राइस होती है बहुत महंगी कीमत, ठीक है. आप फैंसी चीज़ें होती हैं उस तरीके से फैंसी प्राइस होती है. फैदर इन द कैप. अच्छी उपलब्धि. एडिशनल सक्सेस. समथिंग यू हैव अचीव्ड एंड देन आफ्टर दिस इज अ फैदर इन योर कैप. मतलब थोड़ा बोनस वाला, बोनस सक्सेस. फैदर वंस नेस्ट. अपने अपने घोंसले का फायदा उठाना, ठीक है. फैदर वंस नेस्ट. टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन. अपने ही पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना. फाइट शाय ऑफ. फाइट शाय ऑफ ये होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है. फाइट शाय ऑफ. टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन. फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स. फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स. अभी आप बताओ क्या होता है जब आपके यहाँ कहीं पानी वानी में मान लो तूफान उफान आ जाता है तो मछलियों को क्या होता है, बेचारी उठ के चली जाती हैं, उड़ जाती हैं. उसमें से तूफान आया पानी में, उछल उछल हुई और निकल आए बाहर, निकल के आए बेचारे पानी के फोर्स से ही आ गए बाहर. तो लोगों ने क्या किया, वो ट्रबल्ड वाटर्स में बेचारी फिश बाहर आई थी, उनकी फिशिंग कर ली. तो क्या हुआ यह, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स. फिश आउट ऑफ वाटर. फिश आउट ऑफ वाटर. समबडी आउट ऑफ देयर कंफर्टेबल पोजिशन. समबडी वन आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस. फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट होता है मतलब तुम्हारा एकदम सब एकदम बेस्ट चल रहा है, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. सब कुछ बेस्ट चलते के बीच में अगर कोई मक्खी आ जाए तो वो क्या है, दिस इज अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है. फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज क्या होती है, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी. अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन. मतलब झूठी उम्मीद में खुश हो रहे. फूल्स पैराडाइज एक मतलब बेवकूफ़ की दुनिया, समझ लो बेवकूफ़ की जन्नत क्या होती है. अब कोई पागल है, अगर पागल है तो उसको तो अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है वो. तुम्हारे लिए क्या है वो फूल्स पैराडाइज है भाई. उसकी अलग दुनिया चल रही है, वो उस दुनिया में मगन है. उसके लिए तुम्हारी ये जो है ये फूल्स पैराडाइज नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए उसके लिए तुम्हारी ये जो है ये फूल्स कर्स है कि तुम तो काट रहे हो, उसे भी पता है, ठीक है. चलो 40 विंग्स. 40 विंग्स होता है अ नैप. मतलब 40 बार पल के झपकाओ तो एक नैप के बराबर हो जाता है, बहुत छोटे से, ठीक है. ऐसे क्या, ऐसा मतलब कहने का तरीका है, होता नहीं ऐसा, पता चला तुम पलके झपकाने लगे. फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव होती है कि मतलब एकदम इररिस्पॉन्सिबल लीव, समझ रहे हो, इररिस्पॉन्सिबल. फ्रेंच वाले लॉन्डे इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक. ऐसा मान के चलो फ्रेंच लीव होती है कि अ पर्सन टेक्स अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन. फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होती है, दैट इज वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ.
समझ रहे हो आप, बैंक के अगर आप कहीं पीओयो हो जाओ तो आपको क्या मिलेगा कि मतलब नौकरी के साथ सैलरी तो मिलेगी, साथ में आपको क्या क्या चार दे देते हैं, डीए दे देते हैं, क्या क्या देते हैं, दीज आर फ्रिंज बेनिफिट्स, वेतन के अलावा मिलने वाले कभी कभी। और एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब घर रहने के लिए दे ही देते हैं, तो ये सब वही है। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ सिर्फ गुजारा भर के, मतलब हाथ से लेके मुंह तक पहुंचा दिया, सिर्फ काम हो गया, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, ठीक है। गाला डे, गाला डे जिस दिन मन बैठ के गाना गाओगे, दैट इज गाला डे, सेलिब्रेशन डे। गेट अवे विथ समथिंग, गेट अवे विथ क्या बोलते हैं, टू स्केप, बच निकलना। द थीफ गेट अवे विद द मनी बिफोर द पुलिस केम, ठीक है। चलो सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अप टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डू शेयर इट, डू शेयर इट, इट विल हेल्प यू, देम एंड मी ऑब्वियसली। सो इफ यू हैव लाइक इट एनी वेज, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट सो एज एवरीबडी कैन टेक दी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ऑल राइट, चलो फिर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक।